बता दें, कर्नाटक में दिगंबर मुनिराज आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या के विरोध में आज सेक्टर 12 खेल परिसर मैदान के बाहर जैन समुदाय के लोग तथा अन्य जाति के लोग और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर वहां पर प्रदर्शन किया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हम लोग सेक्टर 37 जैन समाज से आए हुए हैं सभी ये, और सभी लोग हर मंदिर से, फरीदाबाद के जैन मंदिर, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, स्थानकवासी सभी लोग और हिंदू वर्ग सभी एकत्र होकर आए हुए हैं कि आचार्य श्री कामनंदी महाराज जी की जो कर्नाटक में हत्या हुई है, उस संदर्भ में हम सबको न्याय मिले और हमारे साधुओं की, हिंदू समाज के सभी साधुओं की सुरक्षा हो, यही हमारा निवेदन है, और संपूर्ण न्याय हो और सभी हिंदू वर्ग की सुरक्षा हमेशा बनी रहे, यही हमारा निवेदन है और यही प्रार्थना है। सभी को नमस्कार, जय जिनेन। जी सर, क्या लगता है चीफ ऑफिस के बाहर आप आए हैं, जो ज्ञापन सौंपा है, क्या लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? सभी साधु संतों की रक्षा हो और सभी साधु संतों की रक्षा हो, यही हमारा एक उद्देश्य है। जी सर, क्या लगता है? सबको जय जिनेन्द्र। आज जो देश में महान संकट जैन धर्म पर आया है, उसका हम विरोध करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आज जैन साधु की निर्मम हत्या के विरोध में NSS या सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, इसकी हम डिमांड करते हैं, जिससे कि ये पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। ये देखिए, पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जैन होने के एक ऐसा हुआ है, हम इसके चक्कर में विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि गाड़ी से रक्षा सुरक्षा दी जाए जैन साथियों को, हम ये प्रार्थना करते हैं। उनके कड़ी कड़ी से सुरक्षा दी जाए, सजा दी जाए, हम ये चाहते हैं कि उनको सजा दिया जाए, बहुत हम समाज सरकार से ये चाहेंगे। कर्नाटक में जो साधु श्री की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसका हम सब, ना केवल जैन समाज, समस्त हिंदू समाज इसका विरोध करता है और मांग करता है कि देश में ऐसा कानून मिले कि सब साधु समाज को रक्षा की जाए, सबकी रक्षा की जाए, इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ भारतीय पार्लियामेंट से और कर्नाटक सरकार से। धन्यवाद। सबको जय जिनेन्द्र। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जैन धर्म विश्व धर्म है, जो हमेशा अहिंसा के उस पर चलता है कदम पर, और हमारे साधु संत इतने उच्च हैं, उनका किसी से राग द्वेष वैर भाव कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार 24 घंटे में भोजन और पानी लेके अगले दिन तक कुछ ही नहीं लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी हत्या इतनी निर्दयी तरीके से की गई कि उसका अच्छी तरह से निर्णय हो, फैसला हो और एक कानून बने जो हमारे साधु संतों पर कोई विपदा बाधा है, इतना विहार करते हुए एक्सीडेंट करके चले जाते हैं लोग बाग, उनके लिए कोई नियम कानून बने, उनको रक्षा प्रदान हो। बस हम जैन धर्म के वासी हम किसी से शांति से ये सब चीज़ें जानते हैं कि कानून बने कोई हमारे मूल्यों के प्रति, उनके आवागमन के प्रति विहार करने के लिए। बस जय जिनेन्द्र सबको। जी सर, क्या कह? बात तो सिर्फ जैन साधु की हत्या की नहीं है, पूरे देश में साधु संतों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, निर्मम हमले हो रहे हैं, तो इस वक्त ये आवाज सरकार तक पहुंचे कि उनको संरक्षण मिले, उनकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जाए वो करना बहुत जरूरी है, वरना ये असंतोष कह नहीं सकते कि किस लेवल तक आगे जाएगा, सरकार तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सुशील जैन मेरा नाम है। इस जो आज संचालन किया, हमने धरना प्रदर्शन किया, उसका मैं सह संयोजक हूँ। दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 16 का मैं उप महासचिव हूँ। हमारा विरोध शुरुआत इस वजह से हुआ, समाज में चेतना जागरण इस वजह से हुआ कि हमारे बहुत ही परम पूज्य मुनि आचार्य काम कुमार नंदी जी की नृशंस हत्या कर दी गई कर्नाटक के बेलगांव जिले में, और उसके बाद उनके शव को 9 टुकड़े करके अलग अलग बोरवेल में फेंक दिए गए। ये तो मात्र हमारे लिए एक चेताने का तरीका था, उठाने का तरीका था। ऐसे हमले
समय समय पर हमारे साधुओं पर, हिंदू समाज के साधुओं पर होते रहते हैं, चाहे वो पालघर की घटना हो, चाहे पालीताना की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे कर्नाटक की घटना हो, चाहे हरियाणा की घटना हो। हम तो इस धरने के माध्यम से हमने बहुत पीसफुल एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, अपना मेमोरेंडम दिया, डीसी साहब के माध्यम से भेजा अलग अलग जगह, राष्ट्रपति महोदया हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कि ऐसे कानून बने कि जिससे कि सभी धर्म के साधुओं की सुरक्षा हो, उनका आहार विहार चर्या का संरचना हो और उनके प्रति कोई भेदभाव ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना करे और करे तो कठोरतम कार्यवाही के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। जी सर, ये जो हत्या की गई थी इसका कोई कारण, कोई कारण नहीं है। वो हो सकता है कोई धर्म के विमुख लोग होंगे, उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, बाकी वहाँ बाकी लोगों ने कोशिश करी, उस घटना का स्वरूप बदल दिया। एक मंदिर का पुजारी जो महाराष्ट्र की सेवा करता था, वो हत्यारा कैसे हो सकता है? उसको ट्रैप में फंसाया और उसे यह कहलवा जाने की कोशिश की जा रही है कि महाराज जी का तो पैसे का लेन देन था, जबकि पैसे का लेन देन हमारे महाराज का हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपना घर त्याग दिया, उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनकी कोई संस्था नहीं है, जब पैसे नहीं है तो लेन देन कहाँ से होगा? तो ऐसा कहा जा रहा है कि छोटी समझी साजिश के तहत हत्या हुई है। सुनिए, हम किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे और पुरजोर डिमांड करेंगे, भारत का जैन समाज ही नहीं, अभी तो समुचित हमारा हिंदू समाज भी एकत्रित है, भजन दल के लोग भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के भी हैं, वैश्य समाज के लोग भी हैं, जिनकी पुरजोर डिमांड यही है, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी ऐसा कानून लाया जाए, ऐसा सशक्त कानून लाया जाए जिससे ऐसी कोई घटना करते हुए लोग 10 बार नहीं 100 बार सोचे। आप जाए ऐसा कानून जो है लागू किया जाए, लागू किया जाए, बनाया जाए, लागू किया जाए।